अपने कमरे में? अब तुम्हारा कमरा यहीं पर है। मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। अब रोज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा क्या? कौन? लाइट अभी नहीं आ रही है। आपको पता है जनरेटर से काम चल रहा है। क्या बात कर रहा हूं? ओह हाँ, मैंने भी अभी आवाज सुनी। वैसे भी आज आपका ध्यान कहीं और ही है और आप हेल्प भी नहीं मांगते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सुहा नहीं आ जाती तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूं। वैसे लाइट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? किमाल, पानी आना भी बंद हो गया है। फ्यूजन आंटी नहाने गई थी। पर टैंक पे तो पानी होना चाहिए। बाहर बूस्टर पंप भी तो है, वो खराब हुआ है क्या? जल्दी रूम में चलते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे, ठीक है? यहाँ थोड़ा गर्म लगेगा। क्या पागलपन है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फ्यूजन आंटी, मिस्टर सीजर सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तब तक आप आराम कर लीजिए, आइए। मुझे ठंड लग रही है। सिरिंग। हाँ बोलो। अपनी मॉम को कॉल करके पूछो अगर वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। हम पानी के किनारे रहते हैं और हमारे पास ही पानी नहीं है, ये हो क्या रहा है? पंप तो ठीक है लेकिन शायद टैंक में पानी नहीं है। और कब से खाली है किसी को नहीं पता। खाली नहीं है, बात कुछ और ही है और वो मैं पता लगा के रहूंगा। क्या उन्होंने जानबूझकर बंद किया? अच्छा ये बताओ ये जनरेटर कब तक काम करेगा? हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा वो खुद नहीं आया पर उसने अपने लॉयर को भेज दिया। आप ऐसा कीजिए कि अक्टूबर एंड से पहले चेक कीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, वो 9 या 10 नवंबर था जब पापा अब्रॉड से वापस आए थे। आप उस दिन से पहले चेक करवाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, ओके थैंक यू। कमिश्नर महमत ने सर्विलेंस कैमरास चेक करने के ऑर्डर दिए हैं। तुम सीजर के आने की डेट क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट और फायर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा है तो तुम सुहान की शादी के लिए विटनेस क्यों बने? क्योंकि सुहान को उससे प्यार हो गया है पापा। वो ये बात नहीं मानती पर मैं उसे जानता हूँ। उसने ये शादी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए नहीं की है पापा। पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज कुछ मत करना, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं इस मामले की तह तक पहुँच के रहूंगा और सुहान को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। बस आप कुछ मत करना प्लीज पापा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे जानी दुश्मन से प्यार करती है। अच्छा ठीक है मॉम, बाय। मैंने अभी अभी मॉम को कॉल किया था, वहां पानी भी है और लाइट भी है। मुझे लगा ही था यह सब कोर्लुदाग ने करवाया है। बाय द वे सुहान कोर्लुदाग मैंशन गई है, लेकिन फिक्र मत कीजिए मिस्टर तासिन वहां नहीं है, वो मिथार तोपाक्षी के फ्यूनरल में गए हैं। वो वहां जरूर कुछ लेने गई होगी। सिरिन, हाथ धोने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहान। हाँ तुम कब आई डियर? मैं वॉक के लिए जा रही थी, तुम्हारी कार देखी तो पता चला कि तुम यहाँ आई हो। तुमने कॉल करके क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रही हो? ठीक है अगर ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम आने से पहले तुम्हें कॉल कर लूंगी। नहीं डियर वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब तुम पापा के सामने आ सकती हो पर अदालत के सामने नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसने अपने आप को इस घर की मालकिन डिक्लेयर कर दिया है और वो अपने रहते किसी को भी आने भी नहीं देती है यहाँ पर। अच्छा है उन्हें मजे करने दो। तुम क्या ढूंढ रही हो, मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? नो थैंक्स, जो चाहिए था मुझे मिल गया।
सुहान प्लीज इतनी जल्दी मत जाओ, टेंशन से मेरा दम निकल रहा है। तुम थोड़ी देर रुक जाती तो। रुक जाओ ना सुहान। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चाहिदे, मैं बहुत खुश हूँ। देखो सुहान, तुम ऐसे किसी को कन्विंस तो नहीं कर सकती। देखो सब जानते हैं कि तुमने पापा को हर्ट करने के लिए शादी की है, पर इस सब की बात सिर्फ तुम ही हर्ट होने वाली हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तुमने कुरहान से बात की क्या? तुम्हें अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स हमने बात की, तुम इतना टेंशन मत लिया करो। मुझे नहीं पता सैडल के नीचे वो वायर कहाँ से आई, पर ये पक्का है कि सीजर ने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, और मैंने सीजर से इस बारे में डिस्कस भी किया था। एक और बात, तुम्हें इस विल की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने सीजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सच में? अगर मिसेज अदालत एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो सीजर नहीं कर सकता, उसने साइन भी कर दिया है। तो क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात तुमने की थी? नहीं बाबा, सीजर ने खुद ऑफर किया था। हाँ, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। वो बहुत केयरफुल है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या बात है। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में पानी की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कार में पानी रखवा दिया है। इसे भी ले जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहूं। ओ गॉड आंटी, आप कितनी स्वीट हैं। अगर कोई सुनेगा तो लगेगा कि मैं देश छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ दो कदम दूर ही तो हूँ। हाँ, इन दो कदमों को तय करने में इतनी मुश्किल है क्योंकि ये भी देश छोड़ने जैसा ही है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो तुम्हें व्हाइट ब्राइडल गाउन में अपने डैड के घर से विदा होता हुआ देखना चाहती थी। मैंने व्हाइट ड्रेस ही पहनी थी आंटी, आपको फोटो जरूर भेजूंगी। देखो तो कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है ये। वैसे भी आंटी, इस घर में सब कुछ बड़ा चढ़ाकर होता है, और मैं चाहती थी कि मेरी शादी सिंपल तरीके से हो, पर हम यहाँ भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो आप खुश है ना आंटी? हाँ, तो कब करेंगे? पता नहीं, जल्द ही। सुहान, तुम्हें लगता है कि पापा मान जाएंगे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रही हो? मेरा मतलब शादी के बाद तो ये मैंशन तुम्हारा हो गया ना। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? यहाँ जो कुछ भी था सब वैसा का वैसा ही रहेगा। छोटा जाफेर यहीं पैदा होगा और यहीं बड़ा होगा। तुम्हारी बेली भी बड़ी हो रही है। हाँ डियर, देखो जाफेर कितना बड़ा हो गया है। 3 हफ्तों में 3 किलो वजन बढ़ाया। अच्छा सुनो, तुम अभी बीबी के बारे में मत सोचना, समझ रही हो? हाँ सुहान, वो फैसला तुमने गुस्से में ले लिया था, पर याद रखना बच्चा होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चाहिदे, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बाद में मुझे रिग्रेट हो, और ना ही ऐसा कुछ करूंगी। ठीक है, ये यहां क्या कर रही है? पापा काम डाउन। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने में शर्म नहीं आई तुम्हें? यकीन नहीं होता आप शर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें पहले ही दिन अपने पापा के घर भेज दिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना सुहान? क्यों, क्या मुझे अपने ही घर में आने के लिए कोई वजह चाहिए होगी? नहीं ऐसा नहीं है, आओ बैठकर बात करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मॉम की विल लेने आई थी।
क्योंकि डैड हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे उन्हें फायदा ना हो। तो अब मैंने अपने आप को सेव कर लिया है। ये तुम खुद कर रही हो या तुम्हारा पति ये तुमसे करवा रहा है? शायद वो पहले ही दिन से इस घर को अपने नाम करना चाहता हो। नहीं पापा, सीजर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सब प्रीनप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही होगा। ऐसा क्यों? सीजर मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। जरूर वो कोई दूसरी चाल सोच रहा होगा। सब आपकी तरह नहीं होते। मैंने तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश की पर तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तो आप सबके सामने ये एडमिट कर रहे हैं कि आप ही ने मुझे किडनैप करवाया था? अफसोस करोगी। तुम इस आदमी की बात सुनकर अपनी फैमिली को हर्ट कर रही हो, अफसोस करोगी तुम। फैमिली नहीं, मैं सिर्फ आपको हर्ट कर रही हूँ। वो भी बिल्कुल यही चाहता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे मेरे बच्चों से दूर करना। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप ही ने खुद अपने हाथों से किया है पापा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पापा, मैं इसे भी याद रखूंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा तासिन कौरलुदाक। सुहान, मैं तुम्हें कॉल करता हूं। उस कार में मत बैठना। तुम्हें यहां आने में शर्म नहीं आई? कौरलुदाक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। प्लीज पापा, अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए। मुझे लगता है वो किसी दबाव में है। सीजर जरूर उसे डरा धमका कर ये सब करवा रहा होगा। मैं उसे दिखाता हूँ असली डर क्या होता है। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? बात और बढ़ा रही हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पापा सही हैं।
सुहान सीजर की भाषा बोल रही है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब तुमने मेरी आंखों में देखा था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो। सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों क्या हुआ? नहीं बस तुमने बहुत देर से कॉल नहीं किया इसलिए टेंशन हो रही थी। अच्छा, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, हम बाद में बात करते हैं। सुहान क्या तुम अब भी मैंशन में हो? नहीं। ओके, जब फ्री हो जाओ तो फिर मुझे कॉल करना, बाद में बात करता हूँ। और ये तीन, मिस सुहान, हमारे पास एक ऑर्डर है जो 3 पार्ट्स में डिलीवर करने हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्या हमारे पास टाइम है? कौन सा ऑर्डर है? ये जो आपने बनाया था बो के साथ। ये तो कैटलॉग में भी नहीं था, तो उन्होंने ये ऑर्डर कैसे किया? जब कस्टमर यहाँ आए थे तब उन्होंने इसे देखा था और उन्होंने इसी के लिए इंसिस्ट किया। सुहान, मुझे उस प्यार के बारे में बताओ जिसमें दर्द नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। मैंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, पर ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल है। तुम कहना कि ये सिर्फ एक ही बचा था, तो क्या आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहती हैं? अगर उनका कोई और ऑर्डर नहीं है तो कैंसिल कर दो, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे काम है और टाइम नहीं है। ओके। सुहान, मुझे उस प्यार के बारे में बताओ जिसमें दर्द नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। उस प्यार के बारे में बताओ जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सुहान, ऐसा कोई प्यार है ही नहीं। अगर प्यार में आंसू हैं, तो प्यार में खुशियां भी हैं। और तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें भी प्यार हुआ है। ले जाओ प्लीज।